रोल तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, हैप्पी बर्थडे मैम। और इस बार का बर्थडे काफी स्पेशल होने वाला है आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहोगे घर के बाहर आप हो मैम? बहुत खुशी हो रही है कि मैं फाइनली घर के बाहर हूँ। आई थिंक 6 महीने मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी। आई थिंक इस बार का बर्थडे बहुत स्पेशल है। आई ऑल्सो मेट राकेश एंड बस कल आई थिंक शिल्पा ने कुछ प्लान किया है। और जिस तरह का फाइनल था काफी शॉकिंग था आपके फैंस के लिए, काफी फैंस चाहते थे आप एटलीस्ट टॉप 2 में तो रहो, क्या आपके लिए भी शॉकिंग था वो? ऑफ कोर्स मेरे लिए शॉकिंग, ये भाई आ रहा है हम सबके लिए फ्रेंड्स मूवीज में, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आई थिंक बस बराबर के हिसाब से है, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट एज वेल। और हार कर जीतने वाले को बाजी का असली विनर है। एंड जिस तरह का फैन फॉलोइंग, जिस तरह मीडिया असली विनर आपके नाम से बोल रहे थे, किस तरह का रिएक्शन था मैम आपका? मैं बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबके प्यार के लिए, बिकॉज आई एम जस्ट, इट मेक्स मी फील सो हैप्पी। थैंक यू सो मच कि जो भी मैंने किया आई मीन वो मैं हूँ, एंड आप लोगों ने इतना प्यार दिया है वो देख के इट जस्ट मेक्स मी फील so humble। ट्विटर पे आप भी ट्रेंड कर रहे थे, कौन आप? ओके थैंक यू, वो अभी भी ट्रेंड कर रही है सबके दिलों। एंड जिस तरह टॉप 2 में और तेजस्वी जीती, प्रतीक नहीं जीत पाया, आप नहीं जीत पाए, काफी शॉकिंग था फैंस के लिए, तो आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है घर के बाहर आने में के बाद? आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है, एंड जैसे मैंने कहा, मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि इस तरीके का रिस्पांस मिलेगा, तो मेरे लिए वही मेरी ट्रॉफी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जो प्यार मिल रहा है आप लोगों से एंड फैन से, जो भी वीडियोस मैं देख रही हूँ, मैसेजेस जो आ रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ लव एंड आई रिसीव ऑल ऑफ दैट लव विद ओपन आर्म्स। इट्स समथिंग आई थिंक इसके लिए मैं यही चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं अंदर जाऊं और लोग मुझे जान पाए, एंड आई थिंक वही हुआ है एंड लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। और जिस तरह का वो जो एक टास्क में की चर्चा करूं, जहाँ तेजस्वी ने आपको कुछ बोला था, उसके बाद बॉलीवुड टेलीविजन बहुत सारे लोग आपके ऊपर खड़े रहे थे, आपको सपोर्ट किया था, ट्विटर में भी काफी सपोर्ट किया था, तो कैसा लगता है मैम इतना सपोर्ट मिलने के? बहुत अच्छा लगता है, but that's all I can say, it feels very very nice। मुझे पता नहीं उसने क्यों वो चीज़ कही थी, किस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा था सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था, एंड उसके अपने रीजंस होंगे, वो दैट्स प्रॉबली हर अपब्रिंगिंग, बट इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड डू और आई सपोर्ट। And lastly, what kind of project you are looking forward now? मैं अभी निकली हूँ घर के बाहर, तो I want to enjoy my time out together। बहुत सारी नई चीज़ें हो रही है, but in time I will let you all know। Thank you।